दोस्तों, हमें हमेशा यही लगता है कि मानव जाति में आई बड़ी बड़ी मुश्किलों से निपटने के लिए किसी बेहतर दिमाग वाले इंसान का होना बहुत जरूरी है। लेकिन कभी कभी एक आम इंसान भी ऐसे आइडिया के साथ निकल के सामने आता है जो वाकई में काफी अच्छा होता है। और दोस्तों, आज की वीडियो भी आइडिया पे ही बेस है। दोस्तों, आज मैं आपको 10 ऐसे आइडिया बताऊंगा जो काफी लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हुए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिसमें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट्स आपको तुरंत मिले। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। शेड बॉल। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस के ऑफिसर ने वहां मौजूद तालाब रिजर्वायर के पानी को प्रदूषित होने या इवोपरेट होने से बचाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन उन तरीकों से ज्यादा फायदा नहीं हुआ और आखिर में उन्होंने ब्लैक प्लास्टिक बॉल का यूज किया। मतलब पूरे तालाब को ब्लैक कलर के प्लास्टिक बॉल से ढक दिया, जिससे कई फायदे हुए, जैसे पानी भी गंदा होने से बचने लगा, पानी इवोपरेट भी नहीं हुआ और काई की भी समस्या दूर हो गई। वोल्केनो। दोस्तों, किसने सोचा होगा कि ज्वालामुखी जो तबाही का कारण बनता है उससे भी फायदा उठाया जा सकता है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि आइसलैंड देश का नाम तो आपने सुना ही होगा और यही वो देश है जो ज्वालामुखी की गर्मी को एनर्जी में बदलता है और अपने घरों को गर्म रखने के लिए यूज करता है, जो वाकई में बहुत अच्छी बात है। मिरर्स। विजन नेला, जो कि इटली में मौजूद एक छोटा सा गांव है और ये गांव चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है और इन्हीं पहाड़ों से घिरे होने की वजह से इस गांव में सिर्फ साल में 84 दिन ही उजाला रहता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पहाड़ की परछाई पूरी तरह से गांव को घेरे रहती है। लेकिन उस गांव में रहने वाले लोगों ने हार नहीं मानी और उन्होंने बड़े बड़े शीशों के टुकड़े यूज करके लाइट को गांव में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की और 2006 में गांव के लोगों को कामयाबी भी मिली और उस दिन के बाद से गांव में दिन के समय अंधेरा होना बंद हो गया। half.com। ऑरेगन में मौजूद एक गांव जिसका नाम हाफवे था और जिसमें सिर्फ 250 से 300 लोग ही रहते थे और ये गांव कोई ऐसा गांव नहीं था जिसे लोग नोटिस करें या किसी वजह से पहचाना जाए, लेकिन एक ई कॉमर्स वेबसाइट जिसका नाम half.com था उसने इस गांव को अपने फायदे के लिए यूज किया और इस गांव का नाम हाफवे से बदल के half.com रख दिया, जिससे ये गांव अमेरिका की पहली जगह बन गई जिसका नाम .com है। दोस्तों, इस डील से गांव को 3 से 4 करोड़ रुपए का फायदा हुआ और वेबसाइट ने वहां के स्कूल्स को 20 नए कंप्यूटर भी दिए। और बस इतना ही नहीं, इस डील से वेबसाइट की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई और बाद में इस वेबसाइट को ईबे ने 3,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ड्रेन्स। जिम्बाब्वे का दूसरा सबसे बड़ा शहर बुलावायो, जो अभी कुछ सालों पहले सूखा पड़ जाने की प्रॉब्लम से बुरी तरह से जूझ रहा था और वहां इतना भी पानी नहीं था कि नाली में मौजूद गंदगी को साफ किया जा सके, इस परेशानी से निकलने के लिए वहां के सभी लोगों ने रोज 3 दिन तक सेम टाइम पे टॉयलेट को फ्लश किया, जिससे नालियों में पानी बहुत तेजी से बहा और सब ठीक हो गया। सुपर कंप्यूटर। दोस्तों, सुपर कंप्यूटर खरीदना या बनवाना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर बनवाना बहुत ही महंगा होता है, लेकिन यूएसए की एक कंपनी ने कम पैसे में सुपर कंप्यूटर अपने यूज के लिए बनवाने की ठान ली और कुछ पैसा बचाने के चक्कर में इस कंपनी ने प्रोसेसर की जगह पे 1760 प्लेस्टेशन 3 गेमिंग कंसोल का यूज किया। तो इसका मतलब ये है, आप मार्केट में मौजूद गेमिंग कंसोल से एक सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि प्लेस्टेशन 3 यूज करने के बाद भी इस कंपनी को पूरा सेटअप करने में 10 करोड़ रुपए खर्च हो गए, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन फिर भी एक ओरिजिनल सुपर कंप्यूटर के प्राइस की तुलना में 15 गुना कम है। हग। नेवाडा के एक स्कूल में जब एक 14 साल का बच्चा गन लेके चला गया और उसने अपने क्लासमेट पर फायर करना भी शुरू कर दिया, तब एक टीचर छुपते छुपाते उस लड़के के पास पहुंची और उसे अपने बातों से कन्विंस करने में लग गई और उस बच्चे को गले लगा के उसे समझाने लगी सब ठीक है, और उस टीचर की बातें उस लड़के ने मानी भी और शूटिंग बंद कर दी। डॉल्फिन्स। कुछ सालों पहले जीशुन बाओ, जो कि दुनिया के सबसे लंबे आदमी थे, और एक दिन इन्होंने चाइना में 2 डॉल्फिन की जान उनके पेट से प्लास्टिक बैग निकाल के बचाई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्कर्स अपने इंस्ट्रूमेंट की मदद से प्लास्टिक बैग को डॉल्फिन के पेट से निकाल नहीं पा रहे थे, लेकिन जीशुन बाओ ने अपनी 3.5 फुट लंबे हाथ की वजह से इस काम को बड़े आसानी से कर दिया और डॉल्फिन की जान बच गई। बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।